अंडाल थाना के पुराना काजोरा रेल कॉलोनी के पीपल के नीचे हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा टूटे जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैलते ही घटनास्थल पर भाजपा और टीएमसी नेताओं समेत आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा के जयंत मिश्रा खबर पाकर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। टीएमसी के युवा अध्यक्ष रुपेश यादव भी पहुंच गए। इसी बीच रानीगंज मंडल 2 के अध्यक्ष जयंत मिश्रा और टीएमसी समर्थकों के बीच नोकझोंक के बाद हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई की घटना के बाद भाजपा कर्मियों ने अंडाल थाना में प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोषियों को गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना सुनकर अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी भारी दल बल के साथ काजोरा पहुंच गए। वहीं अंडाल पोस्ट के आरपीएफ प्रभारी एस गांगुली भी पहुंच गए। टीएमसी नेता रुपेश यादव ने वर्षों पुरानी हनुमान मंदिर टूटने के पीछे रेल लाइन कंपन होने और पुरानी होना बताया और भाजपा वालों पर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाला बताया। इधर काजोरा बाजार समिति सचिव अनिमेश मंडल ने कहा कि 40 वर्षों की यह हनुमान प्रतिमा साधु संतों द्वारा स्थापित कराया गया था। आज टूट जाने के बाद हम लोग सभी के आर्थिक सहयोग से प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं और इसे राजनीति रंग देना ठीक नहीं है। पुलिस को चाहिए कि दोषियों को गिरफ्तार करे। वही अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी कहते हैं कि भाजपा वाले ने मारपीट की लिखित शिकायत किया है। हम लोग जांच कर रहे हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास करेगी। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। आज के हमारा भोर बेला इसे देखी ये मंदिर हमारा जब प्रणाम करते प्रणाम करते मंदिर अपना बाबा जो मूर्ति से मूर्ति भेजे दिए थे क्यों ये भेजे थे तार को हमारे कहते को खबर नहीं। इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक रंग देने का उचित नहीं है क्योंकि जो बीजेपी करते हैं उनको भी समाज में रहना है और समाज में रह करके राजनीतिक विद्वेष पैदा करके वे समाज से बाहर तो जाएंगे नहीं, वो भी इसी समाज के अंग हैं। इसीलिए एक मंदिर जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा थी, सीमेंट की प्रतिमा थी, किसी हैवी लोडेड गाड़ी के वजह से हो सकता है प्रतिमा फेंक कर गया है। सुबह में कुछ लोग देखे, उसके बाद देखने के साथ ही साथ वहाँ ग्रामीण लोगों ने उपस्थित होकर के मंदिर को तुरंत नया मूर्ति ला करके प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। सारे लोग चंदा करने में व्यस्त हैं, ग्राम के लोग और बीजेपी के लोग वहाँ पहुँच करके राजनीति करने में व्यस्त हैं। उन्हें उचित था कि ग्रामीण लोग जिस तरह से मंदिर के प्रतिमा प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं वो भी उसी में हिस्सा लेते और यहाँ काजोड़ा ग्राम के लोकल बीजेपी जो कर रहे हैं वो बढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये बाहर से आकर के यहाँ आ